राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आया हूँ मैं कोटवन गांव में। कोटवन गांव में पड़ता है आपका शीतल कुंड और महाप्रभु जी की बैठक, और आप मेरे पीछे देख सकते हो यही हमारा शीतल कुंड। शीतल कुंड का इतिहास जुड़ा हुआ है आज से लगभग द्वापर युग से 5000 साल पहले, और जो ये कुंड है ये कुंड भी आज से 5000 साल पहले से ही यहाँ पर है। और जो हमारा ये कोटवन गाँव है ये आता है हमारा 84 ब्रज कोश की परिक्रमा में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्राचीन छोटा सा कुइया भी है। तो शीतल कुंड के दर्शन कराने के बाद अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ के महाप्रभु जी की बैठक का। और ये हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं, भीमराज पुजारी जी, और हम इनका आशीर्वाद लेते हैं पैर छूकर। पुजारी जी राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। और आप दर्शन कर रहे हैं इस टाइम महाप्रभु जी की बैठक का, और इसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे हमारे पुजारी जी। इस गांव का नाम कोटवन है और ये ब्रज 84 कोस के अंदर आता है। यहाँ पर दो मंदिर हैं, ये महाप्रभु जी की बैठक जी है और सामने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन हैं। और जो ब्रज में 12 वन हैं उनमें से एक वन है कोटवन, ये मंदिर से पीछे बनी वन है। और ये जो वृक्ष है पांडवों के समय का है, राधा रानी के स्वरूप के दर्शन है, और उधर कन्हैया जी के, एक में से दो है, एक देह दो प्राण राधा कृष्ण की जो गलजोड़ी। यही वृक्ष बाहर निकले हुए हैं तो चरण चिन्ह के दर्शन है। यहाँ पर कन्हैया जी ने 7 दिन तक महाराज किया, 9 लाख गाय चराई, और महाराज के अंदर से शंखचूर दानव सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया। तो ग्वाल वालों ने ठाकुर जी को बोला तो ठाकुर जी ने यहां से कोट खींच के, लाइन रेखा सीमा बाउंड्री खींच के, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी, उस राक्षस को वन के अंदर से रोका और उसका वध करके मणि को निकाला और मणि को बाहर शीतल कुंड में पधरा दिया। ठाकुर जी शीतल हुए, सभी ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया सभी को महा शीतल कुंड के दर्शन कराए और महाराज के दर्शन कराए और शीतल कुंड में शीतल कराया, स्नान कराया, ठाकुर जी स्वयं भी शीतल हुए, तब इस कुंड का नाम शीतल कुंड पड़ा। यहाँ पर 7 दिन तक महाराज हुआ और कोटान कोट लीलाएं हुई। इस वन के अंदर 9 लाख गाय चराई, इसलिए ब्रज में ये जो है मुख्य स्थान है। ये जो यहाँ पर दूर दूर से यात्री गण आते हैं, जैसे बंबई है, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, और यहाँ पर दो मंदिर हैं। ठाकुर जी ने कोटान कोट लीलाएं की तब इस जगह का नाम कोटवन पड़ा। तो इस जगह का नाम कोटवन है, तहसील चाहता, जिला मथुरा, और हमारा नाम है भीमराज पुजारी जी या मुखिया जी। ये है यहाँ की लीला। तो आपने सुना हमारे पुजारी जी के मुख से यहाँ की विशेषता। अगर आपको यहाँ आना है तो ये पड़ता है आपका यूपी में, और यूपी में पड़ता है आपका, जैसे ही आप हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करोगे तो सबसे पहला गांव पड़ता है कोटवन गांव। तो इसी के साथ हम अपनी इस ब्रिज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते लेते हैं हम अपने पुजारी जी का आशीर्वाद, और इसी के साथ हम करते हैं राधे राधे। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ, ये हमारे कृष्ण कन्हैया जी की गद्दी, यहाँ पर 7 दिन तक महाराज, और ये हमारे गोवर्धन महाराज जी, हम चरण छू के अभिवादन करना चाहेंगे। ये हमारे सेनसैया हमारे कृष्ण कन्हैया जी की, और ये देख सकते हो आप, ये वृक्ष है, ये दो जिस्म एक जहाँ है, और इनका मतलब है ये हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं और ये हमारी राधा मैया जी हैं। अब मैं आपको इनका बाहर से दर्शन कराता हूँ। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ हमारे राधा मैया के चरण चिन्हों को। ये आप देख रहे हैं, ये दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे राधा मैया के चरण चिन्ह, और आप ये देख सकते हो, मैंने अंदर से भी दिखाया था आपको, करें आप दर्शन। आप जो ये वृक्ष देख रहे हो ये वृक्ष है द्वापर युग से, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है, आप मंदिर प्रशासन में आकर पूछ सकते हैं। ये 5000 साल से भी पुराना वृक्ष है, और इधर दर्शन कराऊंगा मैं आपको कृष्ण कन्हैया जी के पदचिन्हों के। आप देख सकते हैं कितना ही भव्य दर्शन है हमारे कृष्ण कन्हैया के पदचिन्हों के। इधर तो हैं हमारे कृष्ण कन्हैया जी और इधर हैं हमारी राधा मैया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डूंगर का पेड़। आपने हमेशा सुना ही होगा कि पीलू पुराने बूढ़े बड़ों से, तो मैं आपको आज दिखाता हूँ इतने पीलू कि आप देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देख रहे हो आप इस डूंगर का पेड़, ये डूंगर का पेड़ भी लगभग 200-300 साल पुराना है, और आप ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे पल यही हैं पीलू। यहाँ इतने सारे पीलू लगे हुए हैं,
मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे और पहली बार इतने पीलू देखे। अब मैं आपको एक आश्चर्य की बात और बताऊंगा, हमें यहाँ के मैन जी ने बताया था कि ये जिंदगी में पहली बार इतने सालों बाद इतने सारे पीलू लगे हैं, पहली बार। शायद भगवान ने मेरे लिए ही लगाए हों कि मैं इनके दर्शन कर सकूं। और आप देख सकते हैं ये भव्य मंदिर पड़ता है आपका कोटवन में, और ये भी हमारा प्रकृति के बिल्कुल बीच में है, और यहाँ पर बहुत सारे कदम के वृक्ष भी लगे हुए हैं, और यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं, गुजरात, कलकत्ता, दूर दूर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, तो हमें भी एक बिजली के स्विच पर एक चीज मिली जो गुजराती में लिखी हुई है। इससे आप समझ सकते हो कि गुजराती लोग यहाँ आते हैं और दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो भाइयों, अब हमारे पुजारी जी हमें दर्शन कराएंगे गुजराती कैलेंडर के, उसके बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ पर दूर दूर से यात्रीगण आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कलकत्ता, MP, सब जगह से आते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और अहमदाबाद, बड़ोदरा, हर जगह से। गुजराती कैलेंडर है जिसमें हर महीने अलग अलग गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के यानी कि गोवर्धन नाथ जी के अलग अलग महीने के दर्शन हैं हर पेज में। तो यहाँ पर बाहर से बहुत ही यात्रीगण आते हैं, ब्रजवासी तो आते ही, उनके अलावा 99% बाहर के वैष्णव यात्री बहुत आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली बहुत प्राचीन जगह है ये भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ पर कोटान कोट रास लीलाए की, नौलक गाय चराई, शंख चूर दानव का वध किया, शीतल कुंड में शीतल हुए, और यहाँ के बाद श्री गोवर्धन नाथ जी नाथ द्वारा पधारे। बोलिए श्री राधे राधे। आप देख भी सकते हो इसमें गुजराती भाषा में ही लिखा हुआ है, ऊपर हमारे यहाँ के नजदीक के लोग यहाँ नहीं आ पाते, इतने महत्वपूर्ण दर्शन स्थलों को दर्शन नहीं कर पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आएं और इस पवित्र स्थल के दर्शन करें और यहाँ का आशीर्वाद लें और भगवान की महिमा के बारे में जानें। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ के एक और पवित्र स्थान के। पहले मैं आपको उसका 360 व्यू दिखाता हूँ, फिर उसकी जो भी हिस्ट्री जुड़ी हुई है मैं अपने पुजारी जी के श्रीमुख से उसका व्याख्यान करवाऊंगा आपके लिए। पहले देता हूँ मैं आपको यहाँ का पूरा 360 व्यू। ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ का इतिहास भी बहुत रोचक और पांडवों से जुड़ा हुआ है। ये इस जगह का, इस गांव का नाम है कोटवन, और यहाँ पर जो हम दर्शन आपको कराने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं, ये श्री गोवर्धन नाथ जी के मंगला स्वरूप के दर्शन है। इधर मंगला स्वरूप के दर्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर झूले पर है महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी के महाराज के प्रथम मिलन के दर्शन, जो यहाँ 7 दिन तक महाराज हुआ था, उस महाराज में महाप्रभु श्री नाथ जी का प्रथम मिलन हुआ था। और सामने वहां पर ये जो दर्शन आपको फर्स्ट में कराए थे, गोवर्धन नाथ जी के मंगला स्वरूप के दर्शन है, सुबह के मंगला स्वरूप के दर्शन, और यहाँ लास्ट में सैयाजी। तो गोवर्धन नाथ जी ने यहाँ पर कोटान कोट लीलाएं की, तब इस जगह का नाम कोटवन पड़ा। कोटान कोट का मतलब है कोटि कोटि, अनेकों हजारों लीलाएं, लाखों लीलाएं की ठाकुर जी ने यहाँ पर गोवर्धन नाथ जी ने। शीतल कुंड में स्नान किया, शंखचूर दानव का वध किया, नौलख गाय चराई, महाप्रभु श्री नाथ जी का 7 दिन तक महाराज हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक महाराज किया था, उसी महाराज में महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी का प्रथम मिलन हुआ, और इस वन के अंदर 9 लाख गाय चराई, और यहाँ लास्ट लीला करने के बाद ठाकुर जी यहाँ से नाथ द्वारा पधारे। इसलिए ब्रज क्षेत्र का मेन स्थान है, यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं, जैसे लंदन है, अमेरिका है, दुबई है, वहां से भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और बाकी यहाँ से तो इंडिया से तो आते ही आते हैं, अहमदाबाद है, सिकंदराबाद, कलकत्ता, बम्बई, और यहाँ बड़ोदरा, ये जैसे राजकोट, ऐसे मेन सिटियों से, दिल्ली से तो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये प्राचीन समय का मेन स्थान है, बड़े दुर्लभ दर्शन है यहाँ ऐसे। अब इस समय में पुराने समय के दर्शन मिलना बड़ी मुश्किल बात है। बोलिए श्री राधे 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 राधे।